ਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 5 ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ दबण कारण जो अजे जानकारी मिली है एक दी मौत हो चुकी है तीन लोगों नू सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है पांच तो दस लोग जड़े ने मलबे हेठां दबे होण दा अजे भी खदशा जताया जा रहा है कई वाहन भी इस मलबे की चपेट दे विच आ चुके ने तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं भवानी दी तस्वीरां ने माइनिंग चल रही सी और इस दौरान ही वड्डा हादसा वापरिया पहाड़ जड़ा डिग गया है और इस हेठां आउण दे नाल एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है साढ़े सहयोगी नवीन इस समय फोन लाइन पर मौजूद ने नवीन जानकारी लेना चाहवांगे बड़ा हादसा वापरिया की ताजा अपडेट है जी बताना चाहूंगा तो शाम भिवानी के तो शाम अंतिम गार्डन जो अभी पहाड़ पड़ता है उसमें आज सुबह जो लोगों का आवागमन शुरुआत नए साल की शुरुआत थी जो लोग वहां से दो दिन पहले शुरू हुआ था वहां पर अचानक आज जो बाढ़ खींचने की वजह से 8 से 10 लोगों की इसमें दबने की आशंका जताई जा रही है इसमें प्रशासन द्वारा एक लोगों की मौत भी कुछ देर तक की गई है और फिलहाल जो मीडिया कर्मी की बात की जाए लोगों की बात करें उन्हें जो स्थान से है काफी दूर रखा गया है ताकि जो और जो हैरान कार्य में कोई दिक्कत ना आए जी नवीन जानकारी लेना चाहेंगे कितने लोग दबे हो सकते ने इस विच बताना चाहूंगा इसके लिए अब तक पुष्टि प्रशासन द्वारा कोई पुष्टि नहीं की है लेकिन 8 से 10 लोगों को दबे होने की आशंका जताई जा रही है फिलहाल जो एक बैठक में बताई जा रही है जो आने जाने के जो लोग थे वहाँ पे फिलहाल उनको वहाँ से दूर कर दिया गया काफी तो स्थान खाली करा दिया गया खाली स्थान करा दिया गया रास्ता फिलहाल जो अगर बात की जाए नवीन जानकारी देने लिए शुक्रिया इस साढ़े सहयोगी नवीन जिन्होंने जानकारी दी भवानी दे विच माइनिंग दौरान एक वड्डा हादसा वापरिया पहाड़ खिसकन के कारण यह हादसा वापरिया मलबे हेठा दबन के कारण एक की मौत हो चुकी है ते तीन लोगों नू सुरक्षित बाहर कढ लिया गया 5 तो 10 लोगों के मलबे हेठा दबे होने का खदशा जताया जा रहा है ते कई वाहन भी इस चपेट में आए ने ताज़ा तस्वीरां असीं तुहानू दिखा रहे हैं फिलहाल बचाव कार्य जारी ने और लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने वड़ी खबर इस वेले दी तुहानू दिखा रहे हैं ताज़ा तस्वीरां ने माइनिंग का काम चल रहा सी भवानी दे विच और अचानक ही पहाड़ खिसकिया और बड़ा हादसा वापरिया जो ताज़ा अपडेट है उस मुताबिक एक दी मौत हो चुकी है और तीन लोगों नू सुरक्षित बाहर कढ़िया गया 5 तो 10 लोग अजे भी मलबे हेठा दबे हुए ने फिलहाल लोगों नू दूरी बनाए रखने के लिए आख्या गया नवीन जानकारी लेना चाहवांगे कि फिलहाल जो सुरक्षा कार्य जो चल रहे ने मौके पे कितनी टीमें मौजूद ने बताना चाहूंगा प्रशासन की पूरी टीमें वहां पे लगी हुई है पहाड़ की बात की जाए विमान के जो बात की जाए तो प्रशासन के लिए सारी टीमें मौजूद है रात सारी फिलहाल जारी है वहीं जो बात की जाए जो हादसा है फिलहाल जो पहाड़ अभी तक नहीं चला था प्रशासन द्वारा दो दिन पहले पहाड़ के शुरू आदेश दिए गए थे लेकिन पहाड़ अभी तक शुरू हो नहीं हो पाया था लेकिन जो कार्य चल रहा था वहीं कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो लापरवाही भी कह सकते हैं कि जो पहाड़ खिसकने से अचानक किस तरह से जो हादसा हो गया लेकिन फिलहाल एक बात की जाए तो एक लोगों की इसमें मौत होने की आशंका है वहीं से 5 से 10 लोग जो हैं इसमें 10 के लगभग लोग जो बताए जा रहे हैं प्रशासन का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया गया कितने लोग इसमें दबे हो सकते हैं लेकिन 5 से 10 लोगों की आशंका जताई जा रही है फिलहाल प्रशासन इसमें बचाने का कार्य जुटा हुआ है जख्मियों केड़े हस्पताल जख्मी करवाया गया और इस बारे कोई प्रशासन का आला अधिकारी मौके पे पहुंचे है जायजा लिया गया जी बताना चाहूंगा एसडीएम साहब खुद मौके पे पहुंचे हैं यहाँ पर बात की जाए भिवानी प्रशासन की तो भिवानी प्रशासन के जो डी साहब भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अब बात की जाए पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद है और जो इसके अलावा बात की जाए जो पहाड़ प्रशासन की बात की जाए या तो शाम के आला अधिकारी की बात की जाए जो सामने मौके पर पहुंचे कैसे पता चल रहा है तो वहाँ मौके पे हम पहुंच रहे हैं और जो मलबे हेठा दबन के कारण एक व्यक्ति की खून तक मौत हो चुकी है ते तीन लोगों नू सुरक्षित बाहर कढ लिया गया है।